नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 92 कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। उज्जैन जिले की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उज्जैन उत्तर से विधायक पारस जैन का टिकट काटते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा महीदपुर से मौजूदा 3 बार विधायक रह चुके बहादुर सिंह चौहान और बड़नगर से जितेंद्र पांड्या को टिकट मिला है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद जिले की 7 विधानसभा सीट के प्रमुख प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है। महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ने उज्जैन जिले से बीजेपी की एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने इस मामले में बाजी मार ली और उन्होंने उज्जैन उत्तर से सामान्य वर्ग की महिला को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर ओबीसी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस ने 2018 चुनाव की अपेक्षा इस बार आधी सीट ही ओबीसी को दी है। जिले की 7 में से 2 सीटों पर ही ओबीसी प्रत्याशियों का चयन किया है। बीजेपी ने शनिवार को लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद ये स्थिति साफ हो गई है कि कौन किसके सामने होगा और मुकाबला कितना रोचक होगा। उज्जैन जिले की 7 सीट उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, बड़नगर, नागदा, घटिया, महीदपुर, तराना की स्थिति पर नजर डालें तो पता चलेगा कि दोनों ही मुकाबले की मुख्य पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट का वितरण किया है। हालांकि ओबीसी की बात करने वाले कांग्रेस इस मामले में पीछे रह गई। कांग्रेस ने सन 2018 में हुए चुनाव में 4 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को मैदान में उतारा था। उज्जैन उत्तर से राजेंद्र भारती, नागदा से दिलीप गुर्जर, महीदपुर से सरदार सिंह और बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया था। इस बार कांग्रेस की लिस्ट पर नजर डालें तो 50% कम टिकट का वितरण कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने करीब 50 साल के इतिहास में पहली बार उज्जैन दक्षिण से ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसमें चेतन यादव बीजेपी के मोहन यादव के सामने होंगे। नागदा से ओबीसी प्रत्याशी मौजूदा विधायक दिलीप गुर्जर को टिकट दिया है। बीजेपी का जातीय समीकरण। महिला आरक्षण के लिए सितंबर में आनन फानन में संसद का सत्र बुलाने वाली बीजेपी ने उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीते 50 वर्षों में किसी भी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया है। इस बार प्रत्याशियों को देखें तो पता चलता है कि 7 में से 3 सीट पर सामान्य वर्ग, 2 ओबीसी और 2 सीट पर एससी को मैदान में उतारा है। 3 सीट सामान्य उज्जैन उत्तर से अनिल जैन, बड़नगर से जितेंद्र पांड्या और नागदा से तेज बहादुर सिंह मैदान में होंगे। वहीं उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव और महीदपुर से बहादुर सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2 ऐसी सीट में से बलाई समाज से सतीश मालवीय को और रविदास समाज से ताराचंद गोयल को दी है। बीजेपी ने इस बार जातीय समीकरण को खास ध्यान में रखकर टिकट का वितरण किया है। कांग्रेस का गणित। राहुल गांधी अपने भाषण में कांग्रेस सरकार के तीनों प्रदेशों में ओबीसी मुख्यमंत्री होने की बात करते आए हैं, लेकिन इस बार उज्जैन जिले की 7 में से सिर्फ 2 सीटों पर ओबीसी वर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने उज्जैन जिले की 3 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। घटिया से विधायक रामलाल मालवीय एससी, तराना से महेश परमार एससी और ओबीसी वर्ग से विधायक दिलीप गुर्जर शामिल हैं, जबकि बड़नगर विधायक ओबीसी वर्ग के मुरली मोरवाल का टिकट काट दिया गया है। साथ ही चेतन यादव को ओबीसी वर्ग से टिकट मिला है। सामान्य वर्ग की उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी, महीदपुर से दिनेश जैन और बड़नगर से राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने करीब 5 दशक में पहली बार उज्जैन दक्षिण से ओबीसी वर्ग का प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।